स्टीव स्मिथ के बैटिंग ऑर्डर को लेकर जितने भी अगर मगर थे ऑस्ट्रेलियाई टीम में, अब उस पर एक पर्दा डाल दीजिए, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक स्टीव स्मिथ का बैटिंग ऑर्डर साफ कर दिया गया है। सेन रेडियो के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। इस पर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन कहा यही जा रहा है, इससे पहले स्टीव स्मिथ के ओपनिंग में खेलने पर कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल डेविड वार्नर के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने ओपनिंग को लेकर एक बड़ा सवाल था। सवाल यह है कि उस्मान ख्वाजा के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ओपन कौन करेगा। ऐसे में स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी को बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपने पोजीशन को लेकर स्टीव स्मिथ ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बैटिंग पोजीशन केवल एक नंबर है, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हैं। बहरहाल अब ऐसी खबर है कि स्टीव स्मिथ मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे। स्टीव स्मिथ ने अब तक 109 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56.97 की बेहतरीन औसत के साथ 9685 रन बनाए हैं। इस दौरान स्मिथ ने 4 टेस्ट बतौर ओपनर भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.50 की औसत से सिर्फ 171 रन बनाए हैं। अब सवाल है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। तो सेन रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेविस हेड अब उस्मान ख्वाजा के नए ओपनिंग पार्टनर होंगे। अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का टॉप ऑर्डर कुछ ऐसा हो सकता है कि उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, मानस लबुशेन नंबर 3 और स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार 5 टेस्ट मैचों की होगी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में नवंबर में होगा, वहीं पांचवा और आखिरी मैच 3 जनवरी 2025 से सिडनी में खेला जाएगा।